हेलो फ्रेंड, दिस इज गौरव। सो अभी के सेशन में मैं बताऊंगा कि फायरवॉल एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे कि फायरवॉल नेटवर्क में एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि राउट, राउट के अंदर आता है राउट। राउट मतलब रास्ता, ठीक है? तो रास्ता दिखाने का काम करता है। तो सेम एज यहाँ पे फायरवॉल, फायरवॉल मतलब आग, फायर मतलब आग होता है, वॉल मतलब दीवार, ठीक है? तो दीवार जो होता है वो आग, जो हमारा इंटरनल कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रहेगा, तो दीवार रहता है जो कि हमारे हमारे को आग से बचाने का काम करता है, ठीक है? तो सेम एज यहाँ पे फायरवॉल, फायरवॉल का एग्जैक्टली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। जैसे कि किसी कंपनी है, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी की बात कर लेता हूँ मैं, एक्स वाई जेड कंपनी, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक्स वाई जेड कंपनी है। तो कंपनी सोचती है कि चलो हम लोगों ने एक नेटवर्क बना लिया, लैंड नेटवर्क के लिए हम लोगों ने कुछ स्विचेस यूज कर लिए, कुछ यूजर पीसी, सर्वर्स, प्रिंटर्स, बहुत सारे एंड डिवाइसेस हम लोगों ने यूज कर लिए। तो बाहर के आईएसपी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोगों ने राउटर का वगैरह यूज कर लिया। तो अभी कंपनी सोचती है कि हम लोगों ने तो नेटवर्क क्रिएट कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? अगर हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो हमारा नेटवर्क सिक्योर कैसे रहेगा, करेक्ट? तो सिक्योरिटी डिवाइस के लिए हमारे पास फायरवॉल ये डिवाइस है जो मोस्टली नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए काम आता है। अभी फायरवॉल की काफी सारी कंपनीज है, जैसे सिस्को का सिस्को एएसए फायरवॉल है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो ऐसे काफी सारे टाइप्स के फायरवॉल है। तो फायरवॉल एग्जैक्टली क्या करता है? फायरवॉल तुम्हारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेरी कंपनी है तो मैं अपने कंपनी में फायरवॉल का यूज क्यों करूँ? सेम एज अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जस्ट कंसिडर मैंने घर बनाया है, मुझे कुछ 10 दिन के लिए बाहर जाना है, सो ऑब्वियसली मेरे घर पे डोर है तो मुझे लॉक लगाना पड़ेगा, इंटरनल लॉक रहेगा वो लगाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी, क्योंकि अगर कोई बाहर का बंदा आके मेरे घर के अंदर चोरी ना कर ले। सेम एज फायरवॉल इज बेसिकली यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। कोई भी बाहर का अनऑथोराइज यूजर, लाइक जो कि हैकर्स बोलते हैं हम लोग, हैकर्स लोग हमारे इंटरनल नेटवर्क में आएंगे, हमारे नेटवर्क का कॉन्फिडेंशियल डेटा उठा लेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को लॉसेस होंगे, कुछ डेटा हैक कर लेगा, तो कुछ इस तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमें नेटवर्क में सिक्योरिटी पर्पस के लिए फायरवॉल ये डिवाइस यूज करना पड़ता है। तो लिस्ट फर्स्ट पॉइंट, अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। ओके, अभी क्या होता है, ये जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल के ऊपर हम लोगों को कुछ रूल्स कॉन्फिगर करना पड़ता है। रूल्स मतलब पॉलिसी, पॉलिसीज कॉन्फिगर करना पड़ता है। जस्ट कंसिडर करो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास एक लैंड नेटवर्क है, कुछ इस तरीके का एक स्विच है, कुछ यूजर्स है उसके साथ कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम आईपी एड्रेस ले रहा हूँ, 1.1.1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, दिस यूजर्स आर हियर कनेक्टेड हियर ऑन दिस स्विच। ये स्विच हमारे राउटर से कनेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ बाहर जाने के लिए, और ये राउटर हमारे आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? जस्ट कंसिडर करो अगर कोई यूजर, अनऑथराइज यूजर्स बाहर से आता है हमारे नेटवर्क में, जस्ट कंसिडर करो 1.4 ये मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है, अगर उसने सर्वर को हैक कर लिया तो ये मेरे पूरे सिस्टम का डेटा ले लेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है अनऑथराइज अनऑथराइज वे, ठीक है? तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये राउटर और आईएसपी के बीच में मैं एक डिवाइस अटैच कर लूँ, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ फायरवॉल। विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल मैं अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? अभी क्या होता है, जस्ट कंसिडर कि मैं फायरवॉल के ऊपर कुछ रूल बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखे मैंने यूजर्स लिखे रखे हैं 1.1.1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। जस्ट कंसिडर कंपनी के कुछ यूजर्स है जो कि बाहर से काम करते हैं। जस्ट कंसिडर एक रैंडम यूजर ले लेते हैं हम लोग, सीईओ, कंपनी का कुछ सीईओ है, वो बाहर से काम करते हैं, उनका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, रैंडम आईपी एड्रेस। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके सेम नेटवर्क का होना चाहिए, कोई भी नेटवर्क का ले सकते हैं। जैसे कि कंपनी का कोई दूसरा पर्सन है जो कि एमडी है, उनका आईपी एड्रेस है 172.16.1.1। ओके, सो कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये जो दो यूजर्स है, सीईओ एंड सेकंड वन इज एमडी, अगर ये बाहर से हमारे नेटवर्क में आते तभी उनको एक्सेस देना है, अदरवाइज एक्सेस नहीं देना है। तो ये जो मुझे रूल है, ये रूल कॉन्फिगर करना पड़ेगा मेरे फायरवॉल के ऊपर। तो फायरवॉल को मैं बोलूंगा अगर कोई ये दो आईपी एड्रेस से आता है 1.1.1.10 एंड 1.162.16.1.1, अगर ये दो आईपी एड्रेस से कोई पर्सन मेरे इंटरनल नेटवर्क में आने की कोशिश करता है तो मुझे उसको अलाउ करना है, अलाउ मतलब परमिशन देना है। इसके अलावा कोई भी आता है, मतलब डिनाई एनी, अगर इसके अलावा कोई भी आता है
तो मैं उसको डिनाई करूंगा, मतलब उसको ब्लॉक कर दूंगा. जस्ट कंसिडर यहाँ से कोई पर्सन आ रहा है जिसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.10. सो ये पर्सन जब मेरे फायरवॉल के ऊपर हिट होता है तो फायरवॉल अपने रूल्स चेक करता है. फायरवॉल के रूल्स में क्या बोला है, सीईओ जिसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.10, तो ये जो आईपी एड्रेस है ये बिलोंग करता है मेरे सीईओ का आईपी एड्रेस, तो वो उसको अलाउ करेगा हमारे इंटरनल नेटवर्क में आने के लिए, बिकॉज ये ऑथराइज यूजर है, इससे हमारे नेटवर्क में कोई भी हार्म नहीं होने वाला है. यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया. सेकंड यूजर है 192.16.1.1 जो कि हमारा एमडी है, अगर वो भी आता है उसको भी एक्सेस मिल जाएगा. जस्ट कंसिडर करो एक रैंडम यूजर है 1.55 192.160.1.55. ओके, सो अगर ये यूजर मेरे फायरवॉल के ऊपर हिट होता है तो फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल अपने रूल्स चेक करता है. फायरवॉल बोलता है कि मेरे रूल्स में ओनली ये दो यूजर्स को अलाउ करना है, मतलब परमिशन देना है, इसके अलावा बाकी का कोई भी आता है उसको डिनाई करना है. तो ये तो मेरे जो अलाउ वाले रूल है, मतलब जिन यूजर को मुझे अलाउ करना है, जिस होस्ट को अलाउ करना है, उसमें तो ये दोनों यूजर्स नहीं आते, तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा, ये मेरे इंटरनल नेटवर्क में नहीं आ सकता. तो दिस इज जस्ट बिकॉज मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया है. फायरवॉल के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट कोर्स है सिक्योरिटी का, तो हम लोगों को वो करना पड़ेगा. जस्ट मैं एक बेसिक एग्जाम्पल दिया, दैट्स इट. सो फायरवॉल इज बेसिकली यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस. यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, यूज फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी जो हम लोगों ने देखा. प्रोडक्ट बेस्ड फायरवॉल होती है, वो भी मैं बताऊंगा. नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी मैनिपुलेट, होस्ट कैन बी डिनाई और अलाउड. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, डिनाई कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं. डिनाई करना मतलब ब्लॉक करना, अलाउ करना मतलब परमिश करना, परमिशन देना. ठीक है, होस्ट होस्ट मतलब यूजर्स. हम लोग फायरवॉल के ऊपर होस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं, सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं. तो देयर आर मेनी थिंग हम लोग विद हेल्प ऑफ फायरवॉल मैनिपुलेशन कर सकते हैं. मल्टीपल पॉलिसीज कैन बी क्रिएटेड ऑन फायरवॉल. जैसे कि अभी मैंने बताया, एक रूल बताया कि 1.1.1.10 को अलाउ करना है, 172.16.1.1 इसको अलाउ करना है, बाकी सबको डिनाई करना है, दैट इज अ सिंगल पॉलिसी. ऐसे में फायरवॉल के ऊपर मल्टीपल पॉलिसीज क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, लाइक मुझे कंप्लीट नेटवर्क ब्लॉक करना है उसके लिए अलग पॉलिसी करूँ, सिंगल होस्ट को परमिट करना है उसके लिए अलग पॉलिसी करूँ, तो मैं मल्टीपल पॉलिसीज कर सकता हूँ. नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ फायरवॉल, लाइक फायरवॉल के टाइप्स नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स है. जैसे कि सिस्को है, उनका ASA फायरवॉल है, 40 नेट करके कंपनी, उनका 40 गेट फायरवॉल है. उसी तरीके से चेक पॉइंट, सोनी कॉल, पॉलो अल्टो, ये बहुत सारे कंपनीज है जो फायरवॉल बनाती हैं. इन हर फायरवॉल का अलग अलग डैशबोर्ड है. ऑलमोस्ट कंसेप्ट आपको सेम ही मिलेगा, बट उनके कुछ फीचर्स एंड डैशबोर्ड डिफरेंट रहता है. काम तो ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है, बट कुछ कुछ चीजें, जैसे कि मैं ASA की बात करता हूँ, तो ASA इज इंटरफेस बेस्ड फायरवॉल है, 40 गेट है, जिसके अंदर मैंने 40 गेट के ऊपर काफी ज्यादा काम किया, तो मुझे पता है 40 गेट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. जैसे कि मैं किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है वो कर सकता हूँ, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को ब्लॉक कर सकता हूँ, मैं पर्टिकुलर URL वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ. सो देर हर फायरवॉल का अलग अलग तरीके से हम लोग मैनिपुलेशन एंड कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. फायरवॉल यही तक है. Thank you.